हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो टेक्निकल वर्ल्ड टॉक्स। दोस्तों आज मैंने एक खासकर वीडियो उन लोगों के लिए बनाई है जो गूगल पिक्सल 2 और पिक्सल 2 एक्सल के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों हम इस पूरी वीडियो में इन दोनों फ़ोन के बारे में ही बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों गूगल ने अब हाल ही में अपने दो फ़ोन लॉन्च किए हैं जो 3 अक्टूबर को ट्वीट किया गया था गूगल की तरफ से। उसके मुताबिक आपको जो दो फ़ोन मिलने वाले हैं गूगल की तरफ से, उनके जो नाम होंगी वो होंगे गूगल पिक्सल 2 और गूगल पिक्सल 2 एक्सल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है गूगल पिक्सल 2 में गूगल पिक्सल 2 एक्सल के मुकाबले थोड़े कम फीचर्स होंगे, लेकिन दोनों ही फ़ोन होंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस। जो फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ, शर्त लगा सकता हूँ कि ये फीचर आपको किसी ने नहीं बताए होंगे, किसी ने भी नहीं बताए होंगे, क्योंकि मैंने इन फ़ोन्स की ऑफिशियल साइट पर जाकर और बाकी जगहों पर जाकर काफ़ी रिसर्च की है, तो मुझे इसके फीचर्स ऐसे ऐसे फीचर्स पता चले हैं जो आपने दावा है नहीं सुने होंगे, जो कि मैं आपको वीडियो के लिहाज पर बता दूँगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम बात गूगल पिक्सल 2 से। दोस्तों अगर गूगल पिक्सल 2 की बात मैं शुरू करूँ तो उसमें आपको मिलता है ओरियो 8.0, और दोस्तों इतना ही नहीं आपको ओरियो 8.0 के साथ मिलती है 3 साल की सिक्योरिटी जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और सिक्योरिटी अपडेट होगा वो भी 3 साल के लिए। 3 साल तक आपका जो फ़ोन है वो बिल्कुल ही सिक्योर रहेगा, 3 साल तक सिक्योर रहेगा, और ये बात मैंने गूगल की ऑफिशियल साइट पर जाकर खुद चेक की है जो कि शायद आपको नहीं पता होगा। और दोस्तों अब बात की जाए इसकी स्क्रीन की, तो आपको मिलती है 6.0 इंच की स्क्रीन QHD PoLED Gorilla Glass 5 के साथ, जो कि देगा इस फोन को एक बहुत बेहतर मजबूती। और इतना ही नहीं बल्कि इसके बैक पैनल पर भी काफ़ी मजबूत बनाया गया है इस फ़ोन को, ताकि ये फ़ोन अगर गिर भी जाओ तो इस पर एक स्क्रैच ना आए। और दोस्तों अब हम चलते हैं इसके कैमराज की तरफ। तो कैमराज में आपको रेयर मिलता है 12.2 MP का कैमरा जो कि अपर्चुअर f1.8 पर चलेगा, और अगर फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 MP का अपर्चुअर f2.4 जो कि आपको देगा एक बहुत अच्छा सेल्फी एक्सपीरियंस। यहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों इसके फ्रंट कैमरे से आपको जो फ़ोटो मिलने वाली है, जो आपको सेल्फी मिलने वाली है वो भी बहुत बेहतर। तो दोस्तों हम बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो बैटरी जो आपको दी जाती है वो भी काफ़ी कम नहीं है, वो भी बहुत है जो कि है 3520। तो दोस्तों अगर बात करें इसके प्रोसेसर की, तो आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 64-bit 2.3 GHz प्लस 1.9 GHz का ऑक्टो कोर प्रोसेसर जो कि बहुत तेज़ है, और इसको और भी ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए आपको दी जाती है 4 GB की रैम, उसके साथ मिल जाएगा आपको 64 GB की इंटरनल मेमोरी जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हो 128 GB तक। इसमें जो रैम और स्टोरेज है वो मुझे लगता है काफ़ी ठीक है। तो चलिए मैं आपको यही बता देता हूँ कि इसमें जो आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है USB Type-C, जिससे आप पता ले सकते हो डॉल्फी साउंड का या हेडफोन की। तो आपको इसके साथ डॉल्फी साउंड का हेडफोन तो नहीं मिलता, USB Type-C का हेडफोन तो नहीं मिलता, लेकिन आपको इसमें मिलता है USB Type-C टू USB जो कि आपको 3.5 mm का जैक लगाने में मदद करेगा। लेकिन दोस्तों एक बैड न्यूज़ ये भी है, जो गूगल पिक्सल 2 और गूगल पिक्सल 2 एक्सल आने वाले हैं इनमें आपको सिंगल सिम से ही काम चलाना होगा, जो कि इसकी प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है काफ़ी गलत बात है। प्राइस तो इसकी काफ़ी हाई पाए हैं और केवल सिंगल सिम से ही काम चलाना पड़ेगा, वेल दैट इज़ नॉट फेयर। दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड वर्जन की, जो है गूगल पिक्सल 2 एक्सल। दोस्तों ऑलमोस्ट इन दोनों में ही सेम फीचर्स हैं, लेकिन कुछ फीचर्स हैं जो बिल्कुल अलग हैं, तो हम उन्हीं फीचर्स के बारे में बात करते हैं।
तो अब हम बात करते हैं गूगल पिक्सल 2 एक्सल के फीचर्स की, जो कि आपको मिलेगा 8.0 ओरियो, जो कि बिल्कुल सेम है ठीक गूगल पिक्सल 2 की तरह। और आपको इसमें मिल जाएगा, और आपको इसकी स्क्रीन मिलेगी 5 इंच की, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 से लेस होगी। और साथ ही इसमें आपको जो बैटरी मिलती है वो 2700 mAh। दोस्तों इसमें यही फीचर्स लगे हैं अगर बात करते हैं गूगल पिक्सल 2 की। और दोस्तों मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ खास फीचर्स जो कि सिर्फ गूगल ने ही दिए हैं और किसी भी फ़ोन में आपको नहीं देखने मिलेंगे और शायद आपने कहीं सुने भी नहीं होंगे। दोस्तों इसमें सबसे पहले जो आपको मिलता है वो है डुअल साइडेड स्पीकर का मतलब है आपको एक स्पीकर मिलेगा फ़ोन के नीचे और एक मिलेगा आपको फ़ोन के ऊपर, जो आपको एक बेहतर साउंड एक्सपीरियंस का मज़ा देगा। वेल इतना ही नहीं, और आपको एक खास फीचर मिलता है जो आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, वो है डुअल साइडेड मोड, जिसमें आप कैमरा के दोनों साइड्स को मतलब कि फ्रंट और रियर कैमरा एक साथ यूज़ कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पर एक साइड होगा फ्रंट कैमरा और एक साइड होगा रियर कैमरा। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही नया फीचर है और मुझे लगता है काफ़ी काम का भी है। वेल इस फोन के इस फीचर को यूज़ करने बड़ा मजा आएगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, साथ ही आपको मिलता है अनलिमिटेड ऑनलाइन स्टोरेज। दोस्तों हम गूगल ड्राइव में कुछ डाटा स्टोर करते हैं तो उसकी कुछ लिमिट होती है, लेकिन जो आपको गूगल की तरफ से ये फ़ोन मिलने वाले हैं इसमें अनलिमिटेड ऑनलाइन स्टोरेज है। आप जितना चाहो उतने फाइल्स और फोटोज को ऑनलाइन क्लाउड में शेयर कर सकते हो, सेव कर सकते हो। और दोस्तों इतना ही नहीं, आपको इसमें दो फीचर्स और एक्स्ट्रा मिलते हैं जो कि किसी भी फ़ोन में आपको ना ही देखने को मिलेंगे और ना ही आपने शायद कभी सुने होंगे। तो दोस्तों जो एक फीचर है उस फीचर का नाम है व्हाट यू सी। दोस्तों अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको कोई अचानक से ऐसी बिल्डिंग या फिर कुछ भी ऐसा नज़र आता है जिसके बारे में आपको और जानना है लेकिन आपको पता नहीं है उसका नाम क्या है, तो बस खोलिए अपने फ़ोन का कैमरा, कीजिए उस ऑब्जेक्ट की तरफ और उस एप्लीकेशन का उस फीचर का मज़ा उठाइए, जिसके मुताबिक वो फीचर आपको बताएगा कि आप जो देख रहे हैं उसका नाम क्या है, उसकी पूरी डिटेल आपके सामने खुल कर आएगी। दोस्तों मुझे लगता है काफ़ी कूल फीचर है जो कि मेबी शायद आज तक कभी किसी फ़ोन में नहीं आया है। वेल गूगल की तरफ से पहल का लॉन्च होने जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो गूगल के जो फ़ोन हैं ये HTC और LG कंपनीज ने मिलकर बनाए हैं। वेल ये बात भी शायद आपको नहीं पता होगी। और दोस्तों जो आपको लास्ट फीचर बना रह गया है वो है व्हाट यू लिसन। मान लीजिए आप किसी बार में या फिर अच्छा ठीक है कोई बच्चा है तो कोई फैमिली रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर एक म्यूज़िक चल रहा है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसका नाम क्या है, वो कौन सा म्यूज़िक है, तो बस आप एक फीचर का मजा उठा सकते हो जिसका नाम है व्हाट यू लिसन। ऑन कीजिए उस फीचर को, जिसके मुताबिक वो आपको बता देगा कि आप जो सुन रहे हो वो कौन सा गाना है, कब बनाया गया था, किसने गाया है और सारी डिटेल उसके बारे में खुल के आ जाएंगी। दोस्तों ये थे कुछ फीचर्स गूगल की तरफ से जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं, गूगल की ऑफिशियल साइट पर मैंने खुद चेक किए हैं। दोस्तों आपको इन फीचर्स के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या आपने कभी ये फीचर्स देखे हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो किस तरह के लगे आपको ये फीचर्स, आपका क्या कहना है इन फीचर्स के बारे में। और कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो कि शायद मुझे नहीं पता है लेकिन जब फ़ोन लॉन्च हो जाएगा तो आप पता कर सकते हो, तो आप खुद पता कर सकते हो कि गूगल पिक्सल 2 और गूगल पिक्सल 2 एक्सल के ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो अभी तक किसी फ़ोन में नहीं आए हैं और बिल्कुल ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस हैं। दोस्तों अगर आपको Xiaomi Note 5 के बारे में भेजाना है तो मेरी एक वीडियो है Xiaomi Note 5 के रिव्यू दिया हुआ है मैंने उस वीडियो में, आप प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिएगा, वो वीडियो आपको मिल जाएगी ठीक इस जगह पर। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस जगह पर और शेयर भी कर दीजिएगा, नहीं वो स्क्रीन पर नहीं आने वाला, वो नीचे ही मिलेगा आपको, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।